सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। बहुत से लोगों ने मुझे बारबेक्यू चिकन की फरमाइश की थी, तो चलिए आज देखते हैं बारबेक्यू कैसे बनाते हैं। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन के लेग और ब्रेस्ट पीसेस, 1 कप दही जिसका हमने पानी निकाल लिया है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टीस्पून, चिकन मसाला 2 टीस्पून और रेड कलर। एक बर्तन में हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये दही, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन मसाला, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, नींबू का जूस और नमक स्वाद अनुसार। रेड कलर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। पेस्ट रेडी हो जाने के बाद इसमें चिकन डालकर अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद इसको हम 1 या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से लग गया है। हम इसको बारबेक्यू स्टैंड में बनाकर दिखाएंगे। अपकमिंग वीडियोस में तवे में कैसे बनाते हैं ये भी दिखाएंगे। ये हमने पहले ही कोयलों को सिलगा कर स्टैंड को रेडी कर लिया था। अब हमने इस पे डाल दिया है। डालने के बाद इस पे अच्छी तरह से ऑयल लगा लें। पांच मिनट के बाद आप इसको पलटा सकते हैं। पलटाने के बाद फिर से आप इसको ऑयल लगाएं। आप इसको बार बार पलटाते रहें ताकि ये जले नहीं और पूरी तरह से अच्छी तरह से पक जाए। अब ये पूरी तरह से तैयार है। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गरम गरम आप सैलेड के साथ इसको सर्व करें। मेरी ये डिश आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।